नीचे ये जो पिंपल्स है ना, ये कल ठीक ही था, बट कल का मेकअप करवाने के बाद वो अचानक से सुबह प्रेग्नेंट हो गई और लास्ट में डिलीवरी भी होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और ये है जैस्मीन। सो हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं मेकअप लेडी के घर के पास। आज है मेरा रिसेप्शन मेकअप, कल का मेकअप तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो गाइस, लेट्स गो। वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट के भयानक अत्याचार सहने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आज मैं अपने स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ। जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, तो ये है एक्ने कंट्रोल फॉर्मिंग फेस वॉश। इसमें है सैलिसिलिक एसिड जो कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। जिन लोगों का ऑयली स्किन है, ब्लैक हेड्स है, लार्ज पोर्स, वाइट हेड्स, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड द प्रोडक्ट इज SLS फ्री, सो फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री। तो जेंटली सर्कुलर मोशन पे आप इसको अप्लाई कीजिए एंड इसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। एंड द सेकेंड स्टेप इज स्किन क्लेरिफाइंग सीरम। इसका 4 or 5 ड्रॉप आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और जेंटली इसको मसाज कीजिए जब तक ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब ना हो जाए। इसमें है 10% नियासिनमाइड जो कि हमारी पोर्स को टाइटन्स एंड फेस को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड इसमें है जिंक PCA। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स सल्फेट एंड पैराबन फ्री, नो मिनरल ऑयल्स एंड क्रुएल्टी फ्री। सो अभी मैं यूज करूंगी SPF 30 सनस्क्रीन। तो अभी मुझे बहुत दूर जाना है धूप में, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। सो ये क्लींजर एंड मॉइस्चराइजर का काम तो करता ही है एंड हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड बनाता है। तो ऐसे ही मैं अपने फेस को ठीक रखती हूँ इन सब भयानक लेडीज के मेकअप से। एंड इसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ड्रेस और हेयर स्टाइल जो है वो हो गया है और अभी स्टार्ट होने वाला है मेरा मेकअप। तो पहले वो एक सूखी वाइप से मेरी जो पूरी फेस उसको कर रही है साफ, जिससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लिप्स के नीचे ये जो पिंपल्स है ना, ये कल ठीक ही था, बट कल का मेकअप करवाने के बाद वो अचानक से सुबह प्रेग्नेंट हो गई और लास्ट में डिलीवरी भी होने वाली है। तो आप लोग ना दिल थाम के बैठो। यहाँ पे ना पिंपल्स में बहुत दर्द है, तो यहाँ पे ना आप ज्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है? तो जो भी हो, अभी वो अप्लाई करी है फेयर एंड लवली, जिससे मैं पूरा लवली लवली हो जाऊंगी। फेयर एंड लवली के बाद अभी वो अप्लाई कर रही है प्राइमर। वैसे जो एक प्राइमर खरीद सकता है वो एक मॉइस्चराइजर क्रीम भी खरीद सकती है, बट नहीं, इनको तो फेयर एंड लवली से ही काम चलाना है। तो अभी वो मेरी आईब्रोज को कर रही है ड्रॉ। तो एक को किया उन्होंने इंडिया और दूसरी को किया उन्होंने पाकिस्तान। अब क्या ही बताओ, दोनों पूरा अलग अलग टाइप के हैं। बट हाँ, कल से काफ़ी अच्छा हुआ आज का, तो यही काफ़ी है मेरे लिए, अब क्या करूँ। सो अभी वो अप्लाई कर रही है चूना, सॉरी बेस मेकअप। लास्ट टाइम की तरह आई होप कि इस बार नहीं होगा, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। नहीं वो मतलब कल का तो वीडियो अलग था ना, मतलब कल वो शादी का, तो आज सोचा रिसेप्शन का भी मेकअप अगर रख देती हो पास में तो अच्छा रहेगा, इसीलिए। ठीक है, आपको मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा आप बताना, मैं कैमरा वहाँ पर बात कर दूँगी। ठीक है। इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बट आज इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ, बट वैसे भी वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई बेशरम की तरह। वरना इस लेडी से मेकअप करवाने का मुझे कोई भी शौक नहीं है। बेस मेकअप लगाने के बाद ये पिंपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, पूरा रेड हो गया है। आप लोग देखो कि क्या हालत हुआ है मेरा। तो अभी वो अप्लाई करी है कंसीलर मेरी आई लीड पे। पिछली बार इन्होंने इतना ज़्यादा कंसीलर लगाया था, मुझे लगा इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस होगा कंसीलर का, बट इस बार ज़्यादा से थोड़ा कम लगाया है इन्होंने। और ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग में इनका जवाब ही नहीं है यार, इनको तो अवार्ड देना चाहिए बेस्ट ब्लेंडिंग का। मतलब कितने अच्छे से ब्लेंड किया है इन्होंने, देखो देखो यार, मतलब भूत बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी इन्होंने। क्या बोले, मुक्ता एक तो शुरू करो। ये सुनने के बाद मुझे अपने आप, मतलब अंदर से मुझे इतना हंसी आ रही थी ना, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। मतलब मेरा मुख वैसे भी शोरू है, इससे ज़्यादा शोरू कैसे करूँ, मतलब पतला। एनीवेज इनका कॉन्टोर आप देखो वो कैसे कॉन्टोर कर रही है। ये जो पैलेट उन्होंने निकाला वो एकदम ब्रांड न्यू था, मतलब फर्स्ट टाइम वो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मतलब मैं एक क्या बताऊँ, मैं क्या चीज़ हूँ मुझे खुद नहीं पता। जहाँ जाती हूँ सबको मेरे ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को मन करता है, पता नहीं क्यों।
तो अभी होने वाला है मेकअप का मेन चीज जो कि है आई मेकअप। अब लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने मेरी आंखों के ऊपर पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जी उगाए थे। तो इस बार मेरा ये जो लहंगा है इसका कलर मतलब मैरून टाइप है कुछ, तो मैरून कलर के हिसाब से देखा जाए पता नहीं वो कैसा मेकअप करेगी, आई मेकअप का कलर क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मैं गई काम से। চোখটা বন্ধ করো, আমাকে আমার কাজটা করতে দাও। এত চোখ পিটপিট করলে আমি কাজটা করব কিভাবে? हाँ हाँ जरूर जरूर करो आप अपना काम, इत्मीनान से बैठ के आप अपना काम करो आराम से। वैसे आप सोच रहे हो कि कल मैंने इतना ज्यादा भयंकर मेकअप करवाने के बाद इसका शादी हुआ कैसे यार, रिसेप्शन भी होने वाला है। तो आज ना आप वही ट्राई कर रहे हो कि रिसेप्शन के दिन आज पक्का इसका मैं डिवोर्स करवा दूंगी, तो उसी के तैयारी में आप लगे हुए हो। तो लास्ट का लुक देख के ही पता चलेगा कि आपके मन में है क्या। मतलब ब्लैक जैसा नहीं हो गया है, पहले रेड यही वाला तो अच्छा लग रहा है देखने में। তোমার জামা যেমন কালার তেমনই তো মেকআপ হবে, এটা তো তুমি জানো। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है इनका। देखो आजकल तो इंडियन ब्राइड अपने रिसेप्शन में व्हाइट कलर के गाउन पहनती है, तो अगर उनमें से कोई इनके पास आती है तो उनको तो पूरा ये वो व्हाइट ही बना देगी। मतलब आई मेकअप उनका व्हाइट होगा, लिपस्टिक भी उनका व्हाइट ही होगा। फिर मैं खाली सोच रही हूँ उन बेचारियों के बारे में जो इनको ट्रस्ट करके इनके पास आती है अपनी स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए, बट उन्हें क्या पता कि उनकी स्पेशल डे को तुड़वाने के लिए ये मैडम हमेशा रेडी होती है। तो जो भी हो आईलाइनर ये लेडी काफ़ी अच्छे से लगाती है, ये काफ़ी एक अच्छी बात है, बट मेरी गलती की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर लग गया, तो इसको मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ वरना वो आके मेरा गला ना दबा दे। सो अभी वो अप्लाई करी है मस्कारा, ये मस्कारा भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वो आईलैशेस लगाएगी, मतलब पिछली बार वो भूल गई थी आईलैश लगाने के बारे में, बट इस बार वो लगा रही है, यही अच्छी बात है। बार-बार बोलते भारो लग जाना, कैमरा तो बंद करो ना। क्या ही करूं इनका अत्याचार मुझे सहना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड्स मेकअप आर्टिस्ट मिलना मुश्किल है, वरना इस औरत के पास मैं जिंदगी में कभी नहीं आती सेकंडे। तो जो भी अभी इन्होंने एक बिंदी लगा दिया, मतलब बेस मेकअप के बाद फाउंडेशन लगाना पड़ता है, वो भूल गई, कल लगाई थी आज नहीं लगाई। एक तो हंसो देखिए। हंस के क्या करूं यार, हंसो नहीं मैं रो लेती हूं, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए। और आप लोग ना कैमरे में बहुत स्मूथ लग रहा है मेकअप देख के, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया मेकअप किया, बट अगर आप लोग मुझे सामना सामने देखते ना तो आप लोग लिटरली डर जाते, क्योंकि फेस एकदम वाइट हो गया था और इनका ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी मैं पिछली बार की तरह। कितना बड़ा हाँ करो यार, इससे ज्यादा बड़ा हाँ मेरा होता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, जो हो रहा है वही करो। वैसे भी तो आप भूत बना रहे हो, अगर लिपस्टिक अच्छे से नहीं भी लगता है तो क्या फर्क पड़ता है। कलर मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं हो गया है, देखो मतलब कैसा लग रहा है देखने में, अगर रेड देते तो अच्छा रहता ना। तुम्हार जामार जेमन कलर तेमनी तो मैं मैचिंग तक करबो। हाँ हाँ कर दो मैचिंग यार, आज तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, कोई बात नहीं है, हो सके तो मेरा गला दबा के मेरा खून ही कर दो तुम। ऐसा लग रहा था कि ये औरत मेरे ऊपर कीटनाशक छिड़क रही है, इतना मेकअप फिक्सर कौन लगाता है, वो भी इतना भूतिया मेकअप के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि यही मेकअप जिंदगी भर मेरे फेस पे चिपक ना जाए परमानेंटली। अच्छा ठीक है, सब कुछ हो गया या फिर कुछ बाकी है? फिर ना तुम्हारे ब्रोनर तो ठीक हो रहा, वो जगह तो ठीक कर दे। हाँ 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 ठीक है, थोड़ा सा मतलब धीरे कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द है यहाँ पे, ये ना पूरा व्हाइट हो गया है, तो थोड़ा सा संभाल के। ठीक है अच्छा। तो पूरा मतलब ब्लड निकल गया। ये तातरी पुरस्कार करो। कुछ है आप प्लीज दीजिए ना थोड़ा सा। कैमरा तो ऑफ करो, तातरी ठीक। हाँ हाँ मैं देख नहीं पा रही हूँ ना कुछ। बस मिल गई तुम्हारी आत्मा को शांति, निकाल दिया ना मेरा बच्चा, आई मीन पिंपल का। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ पे, इनको इससे क्या लेना देना, इनको तो खाली अपना काम से मतलब है और ये बेकार से मेकअप से मतलब है। सच में कल इन्होंने इतना बुरा मेकअप किया था कि वो पिंपल जो है वो नॉर्मल पिंपल सुबह पक्के पूरा एकदम वाइट हो गया था, तो इसके ऊपर प्रेशर अगर डालोगे तो इसको तो फटना ही था। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे दर्द है मेरा, प्लीज़ ज़्यादा ये मत कीजिए। देखो हमारे जो कॉलन है तुम्हारे पिंपल से लो, हमें की करबो। ठीक है आपका कितना हुआ बोलिए फिर। 2000। मैं आपको 1500 दे रही हूँ, इससे मैं 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ। वो बैग दो थोड़ा सा, मेरा पर्स तो कर दीजिए। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ वापस, मतलब बहुत ही खून से रंगीन होके आई हूँ एकदम, यकीन नहीं हो रहा है मुझे खुद अप...
अपने आप को देख के कि इतना भयानक कोई कैसे सजा सकता है किसी को। आप लोग खाली मुझे देखो, इसी ड्रेस के साथ मैं ऑलरेडी एक बार बेस्ट मेकअप करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को याद आया होगा। बट आज मेरे साथ जो हुआ है मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मतलब पिछली बार फिर भी उन्होंने मुझे पत्ता गोभी ये वो गार्डन बना दिया था, बट इस बार जो किया ना वो हद ही हो गई। ये ब्लैक लिपस्टिक, पूरा चुड़ैल दिख रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी पी के आई हूँ। बात वो नहीं है, मैं क्या बताऊँ, आप लोग मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आप लोग खाली मेरा एक ओवरऑल लुक देख लो अपनी फेवरेट म्यूजिक के साथ। चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो हाँ एक लाइक कर ही देना प्लीज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। एंड गाइस आप लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। चुड़ैल वाली किसी किसको चाहिए, चुड़ैल वाली किसी किसको चाहिए, चुड़ैल वाली किसी किसको चाहिए, बाय।